आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास की दिल्ली के सीएम केजरीवाल से नाराजगी अभी दूर भी नहीं हुई थी कि उससे पहले ही एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। कुमार विश्वास ने दावा किया है कि आपसे बर्खास्त किए गए प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जैसे बड़े नेताओं की वापसी की बात चल रही है। हालांकि पार्टी के दूसरे नेताओं ने इस दावे को खारिज कर दिया है। अंदरूनी कलह से जूझ रही आम आदमी पार्टी में अभी विवाद थमा नहीं है। पार्टी में बने कुमार विश्वास गुट के नए दावे ने दिल्ली की सियासत में हलचल मचा दी है। दरअसल आम आदमी पार्टी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करते हुए कुमार विश्वास ने कहा कि कई कार्यकर्ता अपने स्तर पर सभी पुराने लोगों से बात कर रहे हैं और हमारी तरफ से जो गलतियां हुई हैं उसके लिए हम माफी मांगने को भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव सहित उन लोगों से भी बात कर रही है जिन्होंने संगठन छोड़ दिया था, और अगर सब सही रहा तो जल्द ही पुराने लोगों की पार्टी में वापसी हो सकती है। हालांकि कुमार विश्वास के इस दावे को पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के एक नजदीकी नेता ने खंडन कर दिया है। इतना ही नहीं, अपनी अलग पार्टी बना चुके योगेंद्र यादव ने भी विश्वास के इन दावों को खारिज कर दिया। डीवी लाइव की रिपोर्ट।